सो गाइस यार, आज एक बैड न्यूज़ हुआ यार। मैं थोड़े दिन पहले एक न्यू कैटफिश लाया था और आज मेरी कैटफिश का एंड हो चुका है गाइस। ये देखिए, हाँ यहाँ पर हमारी कैटफिश है, अभी मर चुकी है गाइस। गाइस यार, हम इसे ज़मीन में गाड़ने जा रहे हैं गाइस, तो रिप कैटफिश इन द कमेंट्स। तो गाइस यार, अभी मैं पहले इसे थोड़ा पैक कर लेता हूँ। इसमें पैक करने बाद में गाइस यार, मगर फिलहाल तो एक और कैटफिश है गाइस यार। ये बड़ी वाली कैटफिश उस छोटी वाली कैटफिश को मार रही थी, तो मैंने सोचा कि हम इन दोनों को अलग रख देते हैं। गाइस यार, मैंने दूसरे बेटा फिश को वहाँ पर रखा था थर्माकोल के बॉक्स में, और गाइस यार वो खुद कर बेड के नीचे चली गई। लाइक भजे, उसने ऐसा खोदा कि रिंग रिंग कर नीचे ही चली गई। गाइस यहाँ पर हम रिप कैट फिश, ये होती है अच्छी हैंडराइटिंग में, क्योंकि ये मेरा मैं इसको एकदम अच्छी हैंडराइटिंग से नहीं लिखना चाहूँ, इसलिए अच्छा नहीं। गाइस यार, यही वो आयशा बहन है जिस अभी फिलहाल तो मैंने कहा कि इसे मास्क लगा कर रहो, और ये बन और मेरा एक छोटा भाई भी है जो कि उसने मास्क नहीं लगाया, तो मैं उसे नहीं रहूँगा वीडियो में। तो गाइस यार, मैं आपको नीचे मिलता हूँ। सो गाइस यार, हम लोग लिफ्ट में आ चुके हैं, अभी हम जा रहे हैं नीचे उस कब्र में काटने के लिए कैटफिश। सो गाइस यार, ये हम लोग आ चुके हैं बाहर, और हम यहाँ पर इसे काटने वाले हैं हमारी इस कैटफिश को। हमने यहाँ एंजल भी गाड़ी थी, हाँ गाइस हमारी एंजल भी गाड़ी थी, तो हमने यहाँ पर ही गाड़ी थी। चलो भाई, माइनिंग शुरू करते हैं। पहले तो 4 पत्थर लेते हैं गाइस, और यहाँ पर शुरू करते हैं हमारी माइनिंग। इसके पर ये पेन लाए आयशा, तुम ये बताओ, अनस का फेस मत बताओ। अनस का पेन लाए यार, रिप लिखने को। यार यहाँ पर बताओ आयशा, सेशन का यार, इसको सही से खुदा ही नहीं, यार नीचे पत्थर है, तो मैं इसी जगह लिखा। यार हर जगह पत्थर ही पत्थर है, नीचे पत्थर है यार। पर मेरे पास एक आइडिया है, यहाँ यहाँ है यार, इसे सेपरेट कवर बना देंगे बस, तो यार और इसको अंदर अब डालना है बस। गाइस यहाँ पर हम हमारी कैटफिश चले चुकी है, जा चुकी है यार, बाय बाय कह दो हमारी कैटफिश। तुम लोग गटरों में हाथ डाल रहे हो, शर्म नहीं आती। पे लिखेंगे जीएसटी किस, चलो पहले रिप को लिख लो। लो पेन, पहले मैं लिख लूँ यहाँ पर, तब मैं इसके लिए रिप को बना बनाऊंगा। रिप कैट बस इतना ही, RIP। और ये जगह याद रख लो, फिर भूल गए तो याद नहीं आएगी। हमारे पाव आ रहा है, एंजल भी हम भूल गए थे और बिल्ली ने खा लिया था। चलो इसी के साथ हमारी कैटफिश का अंत हो चुका है आज। गाइस यार, रेस्ट इन पीस कैटफिश बोलो भाई। रेस्ट इन पीस कैटफिश, रेस्ट इन पीस EAT FISH। बड़ा पत्थर है, इसका पीछे रख दो और उसके ऊपर भी रख दो रिप कैट, और इसके ऊपर भी हम लिख देंगे
रिस्क इन पीस। ये यहाँ अनस लिखते हैं रिप, तो दिख नहीं रहे पर मैं ट्राई करूँगा। जरा डाल कर दो, ए दूसरा साइड अच्छा है पर उसको अंदर कीचड़ लगा हुआ है। ये इससे तो नहीं लिखी जाएगा यार, ऐसे क्यों ना स्क्रबली कर दो। ये आपको दिख रहा है, यहाँ लिखा है रिप। क्या आपको दिख रहा है तो कमेंट में बताओ यार। यही हमारी रेस्ट इन पीस कैटफिश। यहाँ से पेपर दिखा है यार, यहाँ थोड़ा सा पेपर दिखा कर इसी के साथ। ये पेन मत, ये मार्कर को भी गाड़े नहीं जा रही। चुप चुप चुप, ये गाड़ गई फिर। ऐसी मोटी खबर दिख रही है ना यार, ये तो मोटी। गाइस यार ये देखो हमारी क्या चीज की, ये क्या रूट्स है भाई इसके। अरे हटो भाई, चलो अरे कैट इसके अस्ते फ्लावर 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 इसके अस्ते। अरे यार हटो भाई, इसके अस्ते फ्लावर ना यार। चलो अनस ये तो मैं इसके लिए कैटफिश, कैटफिश के अस्ते फ्लावर ला लो। गाइजर हमारी कैटफिश को हम याद है, कैटफिश के पास से ये एक अच्छा सा फ्लावर जो कि उत्ता उगाने की है। और ये वो भी नीचे से उठाया था, पता नहीं किसने कर दिया। और ये है मेरी तरफ से डियर कैटफिश वी विल ऑलवेज।